हाँ जी, कैसे हैं सारे? देखो, आज संडे था तो आपसे जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि मैंने आखिरकार अपना 75 हार्ड डे चैलेंज क्यों ख़त्म किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के बाद। देखिए, इस पूरी की पूरी वीडियो में थोड़ी सी मैं डिटेल में बात करूँगा, थोड़ी सी मैं आपसे ज़्यादा बात करूँगा। तो हाय, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है रमन और मैं एक टीचर हूँ पंजाब में। पिछले 7 सालों से मैं आपके लिए टाइम टू टाइम अपने इस चैनल गुरुजी व्लॉग्स में कुछ नई सी नई वीडियोस आपके सामने लेकर ही आता रहता हूँ। इन वीडियोस में मैं अपनी फ़िटनेस जर्नी, जो कि मैंने लगभग आज से 1 साल से पहले, 1 साल से ऊपर हो चुका है, मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी 1 साल से पहले शुरू की थी। उस फिटनेस जर्नी में मैं आपके लिए मैंने बेसिकली अपनी साइकिल, जो कि थी रिवर साइड 120 बाई डीकैथलॉन, उसके साथ अपनी मैंने ये फिटनेस जर्नी शुरू की थी। मैंने उसमें, आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखेंगे तो मैंने बताया था कि जो मेरा वेट था आज से लगभग 1 साल पहले, वो 116 केजी के आसपास था, 116 केजी, जिससे वजह से मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का मैं फेस कर रहा था। बट फिर मैंने वो साइकिल परचेज़ की और उस साइकिल के साथ, रिवर साइड 120 बाई डीकैथलॉन हाइब्रिड बाइक के साथ, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करी। और 1 साल से भी कम टाइम में मैंने बिना किसी मेडिसिन के, सिर्फ साइकिलिंग और रनिंग और थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइजेस से अपने वेट को मैंने कंट्रोल करके लगभग 90 केजी तक मैं अपना वेट को लेकर आ पाया, यानी कि अराउंड 26 किलो मैंने अपना वेट कम किया। अब देखिए, इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत अलग अलग तरीके यूज़ किए अपने वेट लॉस करने के लिए। आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर उन चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। बट जब मैं बात करता हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने एक नया चैलेंज शुरू किया था अराउंड 1-2 महीने पहले, आप सब जानते हैं, उसका नाम है 75 हार्ड डे चैलेंज। देखिए, मैंने अपनी वीडियोस में कभी भी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं की, बट मेरा ये मानना था कि कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करने के लिए, आप आज, अब 1 साल से आप 116 केजी वेट पे होते हैं, 116 केजी वेट के ऊपर होते हैं, और आपको अपना वेट लॉस करने के लिए एक कंटिन्यूस मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। आप उस कंटिन्यूस मोटिवेशन के दौरान कभी ऐसे टाइम भी आता है जब आप उस चीज़ को बीच में छोड़ना चाहते हैं, कि आप थक जाते हैं और आप स्टक हो जाते हैं, आप बिज़ी हो जाते हैं। आप जब जानते हैं कि मैं एक टीचर हूँ और टीचर, ऐसे टीचर काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं, जिसमें मॉर्निंग 6:30 स्कूल जाना, 7 अराउंड स्कूल जाना, फिर शाम को 4 बजे आना, फिर उसके बाद भी घर पे रिकॉर्ड्स मेकिंग, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स एंड प्लानर्स मीटिंग्स, बहुत सारे शेड्यूल बिजी हो जाता है, तो कभी कभार आपका जो रिदम है वो टूट जाता है। तो बीच में ऐसा टाइम आ गया था जब मैंने अपना वेट 116 से 90 केजी तक लेकर आया, तो फिर मैंने थोड़ा सा बीच में मैं स्टक हो गया था। मैंने अपनी एक्सरसाइजेस को बीच में, मुझे शेड्यूल टाइट होने की वजह से, शेड्यूल बिजी होने की वजह से, एक्सरसाइजेस को कहीं ना कहीं बीच में बंद करना पड़ा। तो उसको मोटिवेट करने के लिए बेसिकली मैंने अपना ये 75 हार्ड डे चैलेंज शुरू किया था, जिसकी 15 वीडियोस लगभग आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, मेरे ही चैनल पर गुरुजी ब्लॉग्स पर मिल जाएंगी। अब इन वीडियोज़ में डेली मोबाइल को लेकर कैरी करना, वहाँ पर सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए शूट कर देना, और आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, फिर उसको घर आके शाम को दोबारा से उसको एडिटिंग के लिए डालना, और उसके हो जितना छोटा से छोटा फॉर्मेट में आपको लिए अपलोड करना, ये चीज़ें मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मैं सिर्फ रिकॉर्ड शूट, सिर्फ शूटिंग पर्पसेस के लिए ही इतना लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में काम कर पा रहा हूँ, और आई वॉज़ गेटिंग बोर्ड आउट ऑफ इट बेसिकली। कि मैं 1 साल से जो मैं एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ अपनी, 1 साल से अपनी फिटनेस जर्नी को बनाने के लिए मैं 10-10, 15-15 राउंड उसके ग्राउंड के लगा रहा हूँ, और साइकिलिंग भी कर रहा हूँ, और वेरियस एक्सरसाइजेस भी डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, तो फिर वो क्लिप्स को, उन क्लिप्स को, उन मोमेंट्स को रिकॉर्ड करना, उसको फिर कंपाइल करना, फिर डेली एक जैसी ही वीडियोज़ अपलोड करना ऑन दी यूट्यूब, इट वॉज़ नॉट फिजिबल लाइक टू मी, कि अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मुझे यार, मैं कि ऑलरेडी मैं इतना अच्छा वेट लॉस जर्नी अपनी कर चुका हूँ, और डेली एक ही रूटीन में आ जाना, फिर अगेन मुझे वो कहीं ना कहीं
स्टक कर देता है। जब भी मैं एक रूटीन में डेली फॉलो करता हूँ तो वो एक कहीं ना कहीं मुझे स्टक कर देता है। मुझे अपनी फिटनेस जर्नी में एक साल में मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें ट्राई करी हैं, उनके बारे में मैं कभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि मैंने कैसे अपना 116 kg वेट को 90 kg वेट पर लेकर आया। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि मेरा गोल वो 75 हार्ड डे चैलेंज को पूरा एज इट इज़ कॉपी करके और एज इट इज़ जैसे बाकी यूट्यूबर्स करते हैं, वैसे मैं बाकी यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जिसमें आपके अंकित भानपुरिया जी जिन्होंने 75 हार्ड डे चैलेंज को पूरा किया और अभी भी वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं। बट ये उनका एक फिटनेस जर्नी का एक अपना तरीका हो सकता है। तो मैंने ठीक है अपने आप में कुछ रूटीन को बोर होने से बचाने के लिए एक नया रूटीन फॉलोअप किया, बट मुझे नहीं लगा कि वो चीज़ वर्थ है। जैसा मैं करते आ रहा हूँ मुझे वैसा ही करना चाहिए, कि मैंने अभी तक बिना किसी हार्ड डे चैलेंज के भी एक साल कंटिन्यूस काम करके अपने वेट को 116 से 90 kg पर लेकर आया। तो मैं 90 से मेरे जो हाइट के अकॉर्डिंग 80-85 मुझे वेट चाहिए, मैं वो भी ईजिली अचीव कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं अब रूटीन को चेंज करना चाहिए, और मैंने वो 75 हार्ड डे चैलेंज को ब्रेक किया। आई क्विट दैट चैलेंज, आई एक्सेप्ट, मैंने वो चैलेंज को क्विट किया। और बट फिर भी मैं अपनी जो जर्नी जो मेरी चल रही है एक साल से वेट लॉस मैं करते आ रहा हूँ, और मैं उस वेट लॉस को आगे भी कैरी करता रहूँगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपका एम क्या है, आपका एम वेट लॉस है तो आप वेट लॉस को किसी भी चैलेंज के थ्रू अपनी बॉडी को उस रूटीन में लाकर अपने नए अपने आप को चैलेंज देके वो कर सकते हो। ज़रूरी भी नहीं है कि मैं उस वेट लॉस जर्नी के लिए मैंने 75 हार्ड डे चैलेंज शुरू किया था तो मुझे बीच में छोड़ना पड़ा तो मैं अब क्या करूँ। नहीं, अब जो मैं करते आ रहा था मैं वही करूँगा। मैं अगैन अपनी दोबारा जर्नी जो मैं बीच में ब्रेक हो गई थी और मैंने उसको 75 हार्ड डे के थ्रू वापस लाने की कोशिश की थी, मैं उसको 75 हार्ड डे के थ्रू नहीं करूँगा। अब मैं मेरा जो लास्ट इस वेट लॉस जर्नी में मेरी हाइट के हिसाब से जो टारगेट है वो टारगेट है 15 kg बेसिकली। तो मैं अपने आप को वैसे 15 kg चैलेंज ज़्यादा देना बेटर पसंद करूँगा, क्योंकि मैं 116 से 90 kg पर आ चुका हूँ अपनी इस एक साल की फिटनेस जर्नी में। बट अब मैं 15 kg और वेट लॉस करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने BMI बॉडी मास इंडेक्स, आप जानते होंगे, उस बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर वेट एंड हाइट रेशियो में आ सकूँ। और इसी के साथ साथ मेरे इस चैनल को गुरुजी ब्लॉग्स को आप ज्वाइन कीजिए, और भी मेरी फिटनेस जर्नीज़, मेरी ट्रैवल जर्नीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है गुरुजी ब्लॉग्स। मैं एक टीचर हूँ, जब भी टाइम मिलता है आपके लिए नई से नई वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। हालांकि वो वीडियोस कुछ टाइम बाद ज़रूर आती हैं क्योंकि मेरा टाइम शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, बट स्टिल जब भी मुझे टाइम मिलता है, आज संडे था, आपके लिए ये एक वीडियोज़ लाना मैंने बेटर समझा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसी नई सी नई जर्नीस, नई से नए एक्सपीरियंसेस आपके सामने लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बता दूं मेरी नेक्स्ट वीडियो दिल्ली जाने की और है। वो कुछ टाइम में मेरी जो जर्नी है, अब मैं दिल्ली की तरफ जाऊंगा, एक मैरिज है, और उस मैरिज की पूरी जर्नी, जैसे मैं जलंधर पंजाब में रहता हूँ, जलंधर से दिल्ली तक मैं कैसे गया और क्या मैंने ट्रांसपोर्ट वे यूज़ किया, वो जल्दी ही वीडियो आपको मेरी दिल्ली जर्नी के जाने के बाद मिलेंगी। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, गुरुजी व्लॉग्स, और एक टीचर को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। एंड आज होप, आज संडे है, आज हमारी टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते और हमारे इंडियंस और हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम रोशन कर दे, और वी विश आर इंडियन टीम बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, टेक केयर।